की खबर लालकुआ से है, जहां बीते दिन रेल की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई, जबकि एक युवा हाथी घायल हो गया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही घायल का उपचार शुरू कर दिया गया है। घायल हुए मादा हाथी के बच्चे की हालत में सुधार बताया जा रहा है। बच्चे ने अब खाना पीना भी शुरू कर दिया है। वन विभाग द्वारा घायल बच्चे को दलिया, दूध, केले के साथ गन्ने की खोई खिलाई जा रही है, लेकिन बच्चे की कमर और पिछले पैर में अधिक चोट होने के कारण वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। वहीं वन विभाग द्वारा बेल्ट के सहारे बच्चे को खड़ा कर उसका इलाज किया जा रहा है। इधर डॉली रेंज परिसर में घायल मादा हाथी बच्चे की देखभाल में वन विभाग की 7 सदस्यीय टीम सहित चिकित्सक मौजूद है, जो रात दिन उसकी देखभाल कर रहे हैं। वहीं आज 5वें दिन वाइल्ड लाइफ चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत कुमार द्वारा जख्मी मादा हाथी बच्चे को कई एंटीबायोटिक और दर्द निवारक इंजेक्शन लगाए गए। 14 तारीख को शाम को करीबन रात को 3 बजे प्रातःकाल में इंजन जो है मालगाड़ी का वो हिट कर गया और इसकी जो माँ थी वो मर गई, वहीं पर डेथ हो गई उसका, और ये इंजन घायल हो गया जो पटरी किनारे पड़ा था, जिसको हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उसको हम वन विभाग में दिया, रेस्ट हाउस में लाए लालकुआ में, यहाँ जो है पशु चिकित्सकों के द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है, निगरानी में रखा गया है, और 24 घंटे बैनिस्ट हमारे यहाँ एक अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनको यहाँ ड्यूटी लगाई गई, और 6 आदमी हमारे 24 घंटे इसमें लगे पड़े हैं, और इसको खड़ा करने के लिए हमने स्टैंड की व्यवस्था की गई है, स्टैंड में खड़ा कर रहे हैं, और तब से थोड़ा मूवमेंट तो ठीक है इसका, जब लाए थे सुधार हो रहा है, लेकिन अब कहा जाता है कि यहाँ ऐसी कोई अभी उसकी व्यवस्थाएँ और नहीं है, जो हमारे संसाधन हैं लोकल के पशु चिकित्सक लगे पड़े हैं इसको उपचार के लिए।